सिर्फ बाहर से शावर हुआ हुआ है, गाड़ी में कोई काम नहीं है चराने का भी। अच्छा, ले और चलाएं। ले और चलाएं बस। डिमांड क्या कर रहे हैं? 2,80,000 रुपए 2,80,000 रुपए इसकी डिमांड हैगी। अच्छा, और ये थर्ड ओनर गाड़ी है? थर्ड ओनर गाड़ी है जी। गाड़ी का टैक्स वगैरह सब कुछ क्लियर है? सब कुछ, टैक्स भी क्लियर है, इंश्योरेंस भी क्लियर है। इंश्योरेंस भी क्लियर है, ठीक। और कंप्यूटर कागज बने हुए इसके। अपना कोई व्हाट्सएप नंबर बता दें आप। 0344 ठीक है, 2249965। अच्छा, पेट्रोल एवरेज क्या दे रही है ये? पेट्रोल एवरेज 19 की दे रही है। 19 किलोमीटर जी जी। रात में आया हूँ मुल्तान से, आगे उसे आया हूँ मैं खानेवाल से। इसी गाड़ी पे? इसी गाड़ी पे मैं गांव से आया हूँ रात को। मैं आपको रास्ते की पर्चियाँ दिखा सकता हूँ। अच्छा, बेहतरीन कंडीशन के अंदर है। वाटर ड्रॉपिंग इंजन है, नई बैटरी लगी हुई है, 11 महीने की वारंटी में है। सही। बाकी जो है इंजन यूजुअली ऑल्टो के जो है ना जनरेटर चल रहे होते हैं। अच्छा। एकदम स्टोर इंजन है इसका। अच्छा, और बाकी ये है कि आउटर शावर है, अंदर पेट्रोल से पे है या फिर टोटल पेट्रोल ड्रिवन है? टोटल पेट्रोल है, टोटल पेट्रोल के ऊपर है। ये आती कंपनी फिटेड सीएनजी पे, पर जिनसे मैंने ली थी उन्होंने भी कभी सीएनजी पे नहीं चलाई ना मैंने चलाई है। ठीक है, इसकी डिमांड वगैरह क्या कर रहे हैं? 8 लाख डिमांड है मेरी, और बिल्कुल जायज़ सी डिमांड रखी हुई है, क्योंकि मार्केट में तो 2010 के 9, 9.5 भी मांग रहे हैं लोग। अच्छा, तो असल में अर्जेंट सेल है मुझे, इस वजह से अर्जेंट सेल में इसलिए 8 लाख रुपए रख दिए आपने। वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मार्केट की खबर में आपको खुश आमदीद भाई। इस वक्त हम मौजूद हैं संडे कार बाज़ार कराची में, और आज आने का मेन रीज़न है आपको रिजनेबल प्राइस में गाड़ियाँ दिखाना। मार्केट बहुत बड़ी है यार, वो देखें, बहुत बड़ी मार्केट है। कोशिश करेंगे पार्ट वाइज जो है वो इस मार्केट को कवर करें। वीडियो का पहला पार्ट जो है वो शुरू करते हैं, तो आएँ ज़रा आज की जो है वो वीडियो शुरू करते हैं। जी तो नाजरीन, आज की वीडियो की पहली गाड़ी ऐड करते हैं। पहली गाड़ी ही बहुत प्यारी मिली है, बहुत रिजनेबल प्राइस में। यकीन करें आप जब इसका डिमांड सुनेंगे ना, आप बोलेंगे भाई बहुत बेहतरीन गाड़ी है। गाड़ी का ओवरऑल रिव्यू पहले दे देते हैं, गाड़ी कैसी है बाहर से, फिर इसको अंदर से भी आपको मैं चेक करवाऊंगा। पहले बाहर से देख लें अच्छी तरह गाड़ी। ऊपर से पूरी गाड़ी पे शावर हुआ हुआ है, शावर भी कह रहे हैं कि जापानी हुआ है, जापानी शावर के साथ ये गाड़ी है। ये देखें, इस तरफ से भी आपको पूरा देखने को मिल रहा है। अब मैं कोशिश करूँगा कि अंदर से भी दिखा दूँ आपको। सबसे पहले जो है वो इसकी पैसेंजर सीट देख लेते हैं, फर्स्ट वाली गाड़ी के कब्ज़े वगैरह देख लेते हैं किस तरह। इसीलिए बैक कैमरा भी है गाड़ी में, एलसीडी भी है। ज़बरदस्त हो गया यार। कब्ज़े वगैरह पहले गाड़ी की अच्छी तरह आपको दिखा देता हूँ मैं। लेग स्पेस देख लें, गाड़ी देख लें। अच्छा, मैं बता रहा हूँ तो आपको भूल गया गाड़ी कौन सी। गाड़ी की खैबर है, 1993 मॉडल है। एलसीडी सामने आपको देखने को मिल रही है, और ये देखें गाड़ी का इंटीरियर अब किस तरह का है। मुकम्मल ऑन है, कंपनी का घड़ी भी चालू है। कंपनी का घड़ी भी चालू है, बेहतरीन हो गया। ओनर से बात करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें जो है वो दिखाएंगे आपको। गाड़ी का लेदर देख लें, सीट का कैसा है, सही है, बेहतरीन है। लेग स्पेस सही है, कम्फर्टेबल। खैर गाड़ी अच्छी है, देखा जाए अगर आपकी फैमिली है तो। पीछे से दिखा देता हूँ मैं ज़रा। ईज़िली डोर ओपन हो रहे हैं इसके, ये देखें। कब्ज़े वगैरह आप इसकी सीलें वगैरह सही से देख सकते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। एक गाड़ी पर टाइम लगाने का रीज़न यही होता है कि आपको जो है वो हम अच्छी तरह अपडेट कर सकें। ये देखें, इस पर भी लेग स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। गाड़ी कंडीशन अंदर से देख लें, पीछे साउंड भी है। ये देखें गाड़ी की रूफ़ जो है वो अंदर से देख लेते हैं किस तरह की है। बाहर से भी इसकी रूफ़ देख लेंगे किस तरह की है। गाड़ी टोटल शावर है, जापानी शावर हुए गाड़ी पर। ये देखें इंडिकेटर वगैरह, बैक लाइट भी दोनों आपके सामने हैं। खोल के देख लेते हैं अंदर से कैसी है। 2,80,000 जो है वो डिमांड कर रहे हैं। बंद है ये, बोनेट खुला हुआ है इसका। बोनेट देख लेते हैं पहले, ये देखें यहाँ से भी देख लें गाड़ी कैसी है। अब इसका फ्रंट देख लें, धूप पड़ रही है जिसकी वजह से जो है वो नज़र नहीं आ रहा। ये देखें इजीली इसका बोनेट भी ऑन हो गया है। कुत्ते वगैरह देख लें गाड़ी के कैसे हैं दोनों साइड से। बैटरी वगैरह भी लगी हुई है। शुक्रिया अंकल, आप देख लें गाड़ी का। बेहतर है तकरीबन 2,80,000 में, हल्का सा यहाँ डेंट मिल जाएगा आपको फ्रंट वाली लाइट पे। यहाँ से इसका बोनेट वगैरह भी आपके सामने है। तो अब ओनर से बात करते हैं और गाड़ी की कंडीशन जो है वो थोड़ी सी पूछ लेते हैं उनसे कैसी है।
93 के सजाद ओनर साहब हैं, उनसे बात करेंगे गाड़ी की कंडीशन मैंने आपको ओवरऑल दे दी है। सजाद भाई अब आप बता दें गाड़ी की कंडीशन कैसी है, चलने में गाड़ी का डिमांड वगैरह क्या है? क्लियर है भाईजान, बिल्कुल गाड़ी ओके लगी पड़ी है। बॉडी में भी जेनियन है, सिर्फ शावर बाहर से हुई हुई है। सिर्फ बाहर से शावर हुआ हुआ है। गाड़ी में कोई काम नहीं है, चार आने का भी। अच्छा, ले और चलाएं बस। डिमांड क्या कर रहे हैं? 280,000 रुपये 280,000 रुपये इसकी डिमांड है। अच्छा, और ये थर्ड ओनर गाड़ी है? थर्ड ओनर गाड़ी है जी। गाड़ी का टैक्स वगैरह सब कुछ क्लियर है? सब कुछ, टैक्स भी क्लियर है, इंश्योरेंस भी क्लियर है। ठीक है। और कंप्यूटर कागज बने हुए इसके? अपना कोई व्हाट्सएप नंबर बता दें आप। 03444 ठीक है, 2249965। अच्छा, पेट्रोल एवरेज क्या दे रही है ये? पेट्रोल एवरेज 19 की दे रही है। 19 किलोमीटर जी जी। रात में आया हूँ मुल्तान से, आगे उससे आया हूँ मैं खानेवाल से। इसी गाड़ी पे? इसी गाड़ी पे मैं गांव से आया हूँ रात को। मैं आपको रास्ते की पर्चियाँ दिखा सकता हूँ। अच्छा, बेहतरीन हो गया भाई, यही गाड़ी। और आप अगर मुल्तान से लेकर आए हैं और वीडियो में अगर दिखाना चाहते हैं देख तो ये रात में इस स्पीड में आया हूँ। दिखाएं जरा, ये स्पीड थी रात में आने की। ये भैया शायद आपको नज़र आ रही हो, नहीं आ रही हो, वैसे ही मैं बता देता हूँ। 140 की स्पीड से ये मुल्तान से यहाँ पहुँचे। ये देखो रोड, देखो ये देखें, एक मिनट लिखा हुआ आएगा, बोर्ड आएगा, मोटरवे पे हूँ। ठीक है वो अभी आएगा, देखना सही है, मैंने देख लिए। ये आया, ये देखो मुल्तान में से 10 किलोमीटर। सही, ये रात की वीडियो है जी, बेहतरीन हो गया। कल शाम को 5 बजे निकला था वहाँ से। सही, 280,000 रुपये डिमांड है। तो गाड़ी की कंडीशन आपके सामने है, यहाँ से धूप पड़ रही है, इंटीरियर में सही से दिखा नहीं पा रहा आपको, बोनेट वगैरह देख लिया आपने तो इंशाल्लाह फिर किस आगे चलते हैं। सॉरी वीडियो एंड नहीं करनी, भूल गया मैं, और गाड़ियाँ दिखाते हैं आपको जी। तो भाई लोगों, आल्टो लवर्स के लिए है 2007 का मॉडल लेकर आया हूँ। भाई ने वो करा है कि भाई ये बोनेट को छोड़ के पूरी गाड़ी जेन्युइन है, तो गाड़ियों को इजीली आराम से देखते हैं और फिर आपको इसका रिव्यू देते हैं। फ्रंट से लुक आप देख लें इसका, गाड़ी का किस तरह का है। 2007 आल्टो है। अब ज़रा चलते हैं और गाड़ी का रिव्यू करते हैं, फिर एंड में आपको ओनर से भी मिलवाते हैं। गाड़ी की बॉडी आपके सामने है किस तरह की है, कहीं कहीं हल्का सा टचअप आपको देखने को मिल रहा है। ये खुलेगा कहाँ से? अच्छा, ये वाला नहीं खुलेगा, लॉक टूटा वहाँ से। अच्छा, लॉक टूटा हुआ है। तो भाई ये गाड़ी की कंडीशन आपके सामने है, लेग स्पेस आप देख लें इस पर किस तरह का है, आल्टो का जो नॉर्मल होता है। बाकी सीट वगैरह इजीली है, पीछे स्लेंडर भी लगा हुआ है। गाड़ी की रूफ़ जो है वो सही है यार, 2017 से 2007 की अगर हम देखें तो रूफ़ बेहतरीन है इसमें ना। दूसरी तरफ से आपको पैसेंजर सीट वगैरह भी दिखा देंगे आप देख लें इस तरह। अब बाहर से भी जो है वो आप गाड़ी की छत वगैरह देख सकते हैं किस तरह की है। इसका ये पीछे का बैक साइड आ जाती है, आल्टो सुजुकी VXR है ये। यहाँ से आपको थोड़ी सी डैमेज लगती है गाड़ी, यहाँ से भी इसकी गाड़ी के कब्ज़े वगैरह देख लेते हैं, फिर आपको ओनर से भी इंशाल्लाह मिलवाते हैं और जो डिमांड वगैरह है वो भी गाड़ी की बता देते हैं। यहाँ से इसका इंटीरियर आ जाएगा, इजीली डोर ओपन हो रहे हैं, इसकी कब्ज़े वगैरह आपके सामने है। गाड़ी LPG पर है, बेहतरीन हो गया। ये तो पेट्रोल दोनों पर, दोनों ये देख लें, LPG पेट्रोल दोनों पर सेट है। धूप पड़ रही है, इस वजह से नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब ओनर से बात करते हैं और आपको बोनेट वगैरह अगर खुला हुआ है तो देख कर बता देते हैं। बोनेट खुला हुआ है इसका, ये देखें बोनेट, नई बैटरी डाली है। सही, 18 तारीख। अच्छा, 18 को नई बैटरी डाली है। तब से वगैरह गाड़ी के देखने आप किस तरह के हैं, बिल्कुल सामने हैं। अब ज़रा ओनर से बात करते हैं, फ़ोन नंबर वगैरह और डिमांड वगैरह पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? वालेकुम सलाम अंकल। गाड़ी की कंडीशन थोड़ी सी बता दें, कैसी है, क्या है? बेटा सिर्फ ये बोनेट पे थोड़ा काम होएगा। सही है, पूरी गाड़ी जेन्युइन है। पूरी गाड़ी जेन्युइन है, जैसी थी वैसी है। हाँ, पूरी गाड़ी जेन्युइन, टायर वायर सब नए हैं। सही है, अभी मैंने LPG भी सेट कराई है और जो ना बैटरी नहीं डली है 18 तारीख। अच्छा, तो CNG तो मिलती नहीं है। सही, तो टायर वगैरह सब चारों नई डले हैं और स्टेपनी भी ज़बरदस्त है। सही है, अपना कोई फ़ोन नंबर बताएं आप। हाँ, 03212264497। अच्छा, लोकेशन आपकी?
जामा कलाथ। डिमांड क्या कर रहे हैं इसकी? 6:40 का डिमांड है हमारी। अच्छा, 6 तक छोड़ देंगे? नहीं, ये 6:10 तक में इंशाल्लाह दे देंगे। 6:10 तक दे देंगे। तो भाई ये नंबर आपको मिल गया, आप इनसे रब्ता करें, गाड़ी की कंडीशन भी दिखा दी है, मज़ीद फर्दर डिटेल आप इनसे कर सकते हैं। तो आएँ ज़रा मज़ीद आगे चलते हैं भाई। फाइनली ऑल्टो लवर करीब करीब आ जाएँ आपके लिए। एक और 2010 के मॉडल में गाड़ी आ गई है। गाड़ी बाहर से शावर है और बहुत फ्रेश कंडीशन में है। टायर वगैरह आपके सामने हैं। पहले एक बाहर से रिव्यू दे देते हैं, फिर इंशाल्लाह अंदर से भी आपको दिखाएंगे गाड़ी की कंडीशन कैसी है। ये देखें, ओवरऑल फ्रेश गाड़ी है बिल्कुल। सीटें वगैरह अंदर से खोल के इंशाल्लाह आपको दिखा देंगे। और ये देखें, बैक से कुछ इस तरह की गाड़ी देखने को मिल रही है। अभी मसला ये है, धूप अपोजिट साइड पर है तो यहाँ अंधेरा आ रहा है ना, तो यहाँ से अब गाड़ी देख लेते हैं किस तरह की है। इसकी रूफ़ वगैरह पहले बाहर से दिखा देते हैं आपको कैसी है, फिर इंशाल्लाह इसको अंदर से आपको अब जो है वो खोल के दिखाते हैं गाड़ी कैसी है। इजीली इसके डोर ओपन हो रहे हैं। गाड़ी की सील वगैरह देख लें, डोर की आपके सामने है। अंदर से कोई टचअप नहीं है, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में आपको देखने को मिल रही है। कब्ज़े वगैरह इसके देख लें गाड़ी के। एसी का पूछ लेंगे ओनर से जब बात करेंगे कि एसी किस तरह वर्क कर रहा है गाड़ी में। बाकी सीट वगैरह आपके सामने हैं, पता नहीं चेंज करवाई हैं या वही सीटें हैं ओरिजिनल है इसकी। लेग स्पेस ऑल्टो में हमेशा आपको अच्छा जो है वो देखने को मिलता है। डैशबोर्ड आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। बाकी रेडियो है, आई थिंक एसी वर्क करता है। ये पैसेंजर सीट के बराबर वाली सीट, तो अब यहाँ से पीछे से देख लेते हैं किस तरह की है। इसमें भी लेग स्पेस आपको देखने को मिल रहा है। पीछे डिग्गी है, आई थिंक सीएनजी सिलेंडर नहीं है इस गाड़ी में। बाकी रूफ पीस की आप बाहर से अंदर से देख सकते हैं कैसी है। ये देखें इसके कब्ज़े वगैरह गाड़ी के आपको दिखा देते हैं किस तरह के हैं, फिर इंशाल्लाह दूसरी साइड से भी आप गाड़ी दिखा देते हैं आपको कैसी है। यहाँ से अगर ऑन करके देख लें, ये देखें गाड़ी की कब्ज़े। स्टेयरिंग बिल्कुल ओके है, डैशबोर्ड आपके सामने। अब आ जाएँ ज़रा ऑनर से बात करते हैं। पहले इसका बोनेट वगैरह खोल के देख लेते हैं कि अंदर से गाड़ी कैसी है। इसका बोनेट खोल दीजिएगा, ये देखें भाई बोनेट आपके सामने आई है। बैटरी कंडीशन में ठीक है? हाँ, ये 11 महीने की वारंटी में नहीं बैठी। अच्छा, बेहतरीन। गाड़ी के खुद भी आपके सामने है, ओवरऑल अच्छी कंडीशन में गाड़ी है। डिमांड वगैरह बाकी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, ठीक सर। था? क्या नाम है आपका? मुनीब नाम है मेरा। मुनीब भाई, गाड़ी की कंडीशन थोड़ी सी बताएं चलने में कैसी है? गाड़ी जो है बेहतरीन कंडीशन के अंदर है। वाटर ड्रॉपिंग इंजन है, नई बैटरी लगी हुई है, 11 महीने की वारंटी में है। सही। बाकी जो है इंजन यूजुअली ऑल्टो के जो है ना जनरेटर चल रहे होते हैं। अच्छा। एकदम स्वर इंजन है इसका। अच्छा। और बाकी ये है कि आउटर शावर है, पेट्रोल पे है या फिर टोटल पेट्रोल ड्रिवन है? टोटल पेट्रोल है, टोटल पेट्रोल के ऊपर है। ये आती कंपनी फिटेड सीएनजी पे, पर जिनसे मैंने ली थी उन्होंने भी कभी सीएनजी पे नहीं चलाई ना मैंने चलाई है। ठीक है, इसके डिमांड वगैरह क्या कर रहे हैं? 8 लाख डिमांड है मेरी, और बिल्कुल जायज़ सी डिमांड रखी हुई है क्योंकि मार्केट में तो 2010 के 9-9.5 भी मांग रहे हैं लोग। अच्छा, तो असल में अर्जेंट सेल है मुझे, इस वजह से अर्जेंट सेल में इसलिए 8 लाख रुपये रख दिया आपने। तो भाई आप अपना वो व्हाट्सएप नंबर बता दें ताकि लोग आपसे रब्ता करें। 0316-3396-817। ठीक है, सो व्हाट्सएप है आपका? हाँ, इस पे व्हाट्सएप भी चलता है। ठीक है, लोकेशन अगर कोई विजिट करना चाहे? नाजमाबाद में अब्बासी शहीद अस्पताल के पास, नाजमाबाद। ठीक हो गया। तो भाई ये गाड़ी की कंडीशन आपने देख ली, ओनर से आपसे आपकी बात करवा दी है, तो आए ज़रा मज़ीद आगे चलते हैं। भाई लोगों, जापानी गाड़ी एक मिल गई है 88 मॉडल में। पहले ओवरव्यू देते हैं, फिर इंशाल्लाह ओनर से भी आपकी बात करवाएंगे। गाड़ी की कंडीशन का एक ओवरव्यू कर लेते हैं बाहर से, अंदर से भी फिर आपको दिखा देते हैं कि कैसी है। बैक साइड कुछ ऐसे दिखने को मिलती है गाड़ी की, ये देखें। जापानी गाड़ी है, श्राट नाम के नाम से है ये। इस तरफ से इस तरह आपको देखने को मिल जाएगी, फिर इस साइड से दिखाते हैं राइट साइड से। गाड़ी के टायर वगैरह आप बाहर से देख लें किस तरह के हैं, और ओवरऑल गाड़ी की कंडीशन ये देख लें, रूफ देख लें। इस पे शावर हुआ हुआ? फर्स्ट टाइम शावर है, इनर जेनुइन है। ठीक है, ऊपर से शावर है, अंदर से जो है वो जेनुइन है। गाड़ी की कंडीशन ये देख लें आपके सामने है। यहाँ से फिर धूप पड़ रही है तो आपको सही से
नज़र नहीं आएगी, लेकिन ये देख लें गाड़ी इस तरह की है। तो अब ओवरऑल इसका जो है वो अंदर से देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं गाड़ी का। गाड़ी को खोल के देख लेते हैं, इजीली डोर ओपन हो रहे हैं इसके। डोर की सीलें जो है वो आपके सामने हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं कि गाड़ी बिल्कुल ठीक है। कब्ज़े वगैरह गाड़ी के देख लें, और इसके अलावा ये देखें इंटीरियर कुछ इस तरह का है गाड़ी का। इसमें आपको एसी भी देखने को मिल रहा है, और एसी वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है ये पूछ लेते हैं भाई से। और ये है गाड़ी की कंडीशन। सीटें जो है काफ़ी कंफर्टेबल आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर, कहीं से फटी वगैरह नहीं है, साफ है तकरीबन। डिमांड बहुत अच्छी है गाड़ी की, जब आप डिमांड पता चलेगी तो आप बोलेंगे कि यार बेहतरीन, इस प्राइस में इतनी ये वाली गाड़ी बहुत अच्छी है। भी जापानी गाड़ी, तो इसकी जापानी गाड़ियों की डिमांड कुछ ज़्यादा होती है मार्केट में। बाहर पीछे से आपको दिखा देते हैं किस तरह की, ये देखें 3 सीटर है, पीछे साउंड लगा हुआ है, लेग स्पेस आपके सामने है, अंदर से रूफ देख लें क्लियर है, कहीं डैमेज नहीं है। तो अब ऑनर से बात करते हैं और गाड़ी की कंडीशन के बारे में थोड़ा सा पूछते हैं इनसे। कौन भाई? लोगों इसका बोनेट रह गया था, तो मैंने कहा बोनेट का भी रिव्यू दे दूँ आपके सामने। जापानी गाड़ी है, तो उसका बोनेट जो है वो कुछ इस तरह का होता है, बैटरी लगी हुई है। बाकी जो है वो ओनर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अस्सलाम जी जनाब। सर गाड़ी की कंडीशन थोड़ी सी बता दें, कैसी ओवरऑल चलने में? अंडा शरार गाड़ी है, 88 का मॉडल है, सस्पेंशन इसका 0 है, इंजन बिल्कुल वाटर ड्रॉपिंग इंजन है। अच्छा, साउंड सिस्टम लगा हुआ है, बॉडी वाइज कड़क है, कहीं से गली हुई नहीं है, ट्यूबलेस टायर है, हाफ सेल्फ स्टार्ट है, और 15 किलोमीटर इसकी एवरेज है। इस वक्त प्रेजेंटली गाड़ी में 1 रुपये का काम नहीं है, जस्ट बॉय एंड ड्राइव। अच्छा, लें चलाएं? जी जी, लें और चलाएं, गाड़ी में काम कोई नहीं किसी किस्म का भी। सही है, पावर विंडो है, पावर स्टीयरिंग है, एसी चल रहा है गाड़ी का? एसी का सारा सामान लगा हुआ है, खाली ऑन करानी पड़ेगी। ठीक हो गया। अपना व्हाट्सएप नंबर बता दें, कोई जाके रब्ता करें लोग आपसे? 0300। ठीक है, 265-1148। डिमांड क्या कर रहे हैं? 3,35,000। 3,35,000 रुपये, छोड़ कितने में देंगे? बस वो फिर देखेंगे, अगर किसी ने लेनी है तो 5-10,000 छोड़ देंगे। ठीक हो गया। तो भाई भाई सर रब्ता कर सकते हैं, जापानी गाड़ी है ये, तो आएँ सर मज़ीद आगे चलते हैं। लेकिन इस पार्ट को हम यहीं पर एंड करेंगे, नेक्स्ट पार्ट का आपने इंतज़ार करना है इंशाल्लाह, वो भी ज़रूर आएगा, बहुत जल्द आएगा। तो पार्ट 1 संडे मार्केट, आज 10 तारीख है, इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।